हेलो नमस्कार, द होप टेरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ साप्ताहिक रीडिंग कर रहे हैं, देखने वाले हैं कि 28 सितंबर 2021 से 2 अक्टूबर 2021 तक का समय सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। सो यहाँ पे वन बाय वन हम सब राशियों की रीडिंग देखेंगे। आपकी राशि का जो रीडिंग है वो कब स्टार्ट होगा, ये डिटेल आपको टाइम स्टैम्प के अंदर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो वहाँ से आप अपनी रीडिंग देख के अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आने वाले सप्ताह के अंदर क्या मेजर इवेंट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में हो सकते हैं। ऑल राइट, लेकिन एज ये एक जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेज आपसे डेफिनेटली रेजोनेट नहीं करेंगे। सो वही मैसेजेस आप लीजिएगा, वही गाइडेंस आप लीजिएगा जो कि आपकी सिचुएशन से मैच हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बात करते हैं मेष राशि की। सो सबसे पहले मैं पुल आउट करूंगी टू कार्ड्स, मेष राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। मेष राशि वालों की लव लाइफ जो है वो नेक्स्ट वीक में, पर्सनल लाइफ जो है नेक्स्ट वीक में क्या सब लेके आ रही है। जिस वीक की हम बात कर रहे हैं वो है 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक की। ऑल राइट, सो मेष राशि वालों के लिए लव लाइफ में और पर्सनल लाइफ में पहला कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स। Then we have High Priestess. बात करते हैं आपका करियर, करियर कैसा रहेगा इस ड्यूरेशन के अंदर। वर्क प्लेस, करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि यूनिवर्स 28 सितंबर से 2 अक्टूबर। ऑल राइट, थ्री ऑफ कप्स है हमारे पास एंड मून की एनर्जी है। ऑल राइट, नाउ देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है मेष राशि वो इस वीक कैसी रहेगी। इस सप्ताह में आपकी ओवरऑल एनर्जी या कोई बेसिक इवेंट मुझे जो भी नजर आएगा मैं आपको बताऊंगी। ओवरऑल एनर्जी मास्टर कार्ड फॉर मेष राशि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर। ऑल राइट, एंड वी हैव द वर्ड। सो ये है आपके कार्ड मेष राशि, आई होप ये आपको दिख रहे होंगे। बात करती हूँ सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी की, तो ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं इस वीक के अंदर, इस सप्ताह में कहीं आना जाना हो सकता है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी बताई जा रही है कि हो सकता है पिछले कुछ दिन या आने वाले वीक के एक दो दिन आपके लिए थोड़े से तकलीफ दे हों, ठीक है। और वो तकलीफ़ें जो हैं वो आपके इमोशंस हाई हो रहे हैं, वो चाहे आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, वो आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं। जनरली अगर कोई इमोशन हाई होता है हमारा तो वो हमारी लाइफ के हर एरिया को इन्वॉल्व कर लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया नहीं बता रही। लेकिन आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत हाई हैं, हाई रह सकते हैं या पहले से ही ऑलरेडी काफ़ी हाई है, और उसकी वजह से जो है मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा हर सेंसिटिव हो रहे हैं, हर चीज़ पे आपका ध्यान जा रहा है। फिर मैं वर्ड कार्ड की एनर्जी को ऐसे भी देखती हूँ कि ये 11 नंबर का एनर्जी है, तो अभी तक जो इमोशंस आपके हाई थे, जो अनस्टेबिलिटी आप फील कर रहे थे, मुझे लगता है यहाँ पे कि इस वीक के अंदर, आने वाले वीक के अंदर आप उन सारे अनस्टेबिलिटी को छोड़ के एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि पर्सन जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो किसी चीज़ को छोड़ करके, किसी खराब सिचुएशन को छोड़ करके आगे बढ़े इस वीक में। ऑल राइट, अब बात करती हूँ आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ की। तो आप देखिए, एक तो आपको 222 नंबर काफ़ी देखने को मिल सकता है, 2 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस एंड 2 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स। तो लव लाइफ में बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, लव लाइफ में बैलेंस चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप उस बैलेंस को ही अप्रोच करने के लिए इस वीक में काम करने वाले हैं। लेकिन आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, एक चीज़ और ऑब्जर्व कीजिएगा, मैंने आपको बोला भी था मून की एनर्जी है यहाँ पे और मून का कार्ड है यहाँ पे, और मैंने अभी आपको बताया है कि जब इमोशंस हाई होते हैं मून हमारे इमोशन को बताता है। यहाँ पे भी पानी देख सकते हैं आप, वाटर एनर्जी है, और यहाँ पे भी वाटर है देख सकते हैं आप,
ठीक है, तो मून हमारे इमोशंस को बताता है, और ये जो दोनों कार्ड है दोनों में मून का साइन मुझे ये बता रहा है मेष राशि की, डेफिनेटली आप लोग जो हैं वो किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो सकते हैं जहाँ की अभी आप बैलेंस में नहीं हैं और बैलेंस को चाहते हैं, या अपने इमोशंस लोगों से हाइड कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में, अपने भावनाएं लोगों से कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं हर चीज़ को लेके, आपको डर है कि सामने वाला वो समझेगा या नहीं, ठीक है, और हो सकता है दो दो तीन तीन ऑप्शंस आपने अपने लिए रख रखे हों कि अगर ये वर्कआउट नहीं करेगा तो मैं ऐसा कर लूँगा या कर लूँगी, ये वर्कआउट नहीं करेगा तो ऐसा, लेकिन हाई प्रिस्टेस मुझे बता रहा है कि आप काफ़ी साइकोटिक पर्सन हैं, आपकी इस वीक में इंट्यूशंस काफ़ी हाई रहेंगे, यू नो कि आप क्या कर रहे हैं, यू नो कि सामने वाले का क्या रिएक्शन आएगा, और उस चीज़ को लेकर के आप और भी ज़्यादा सेंसिटिव फील करेंगे इस वीक में, ठीक है। मुझे कोई रिकन्सिलेशन की एनर्जी यहाँ नहीं दिख रही है, अगर आप में से काफ़ी लोग सिर्फ इसीलिए ये देखना चाह रहे हैं लव रीडिंग की क्या आपका आपके पार्टनर से रिकन्सिलेशन हो जाएगा, नहीं, पॉसिबिलिटीज़ कम लग रही हैं, इमोशंस काफ़ी हाई लग रहे हैं और हाइडिंग भी लग रही है, यहाँ पे कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, कुछ चीज़ें आपके इस वीक सामने नहीं आएंगी, आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे, डबल माइंड में रहेंगे, डबल स्टैंडर्ड्स में रहेंगे या कंफ्यूज रह सकते हैं। ऑल राइट, फिर बात करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ में अगेन मून की एनर्जी आ रही है जो कि मुझे बता रहा है कि क्योंकि आप शायद खुश नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ में, तो वो आपके काम को हैम्पर कर सकता है इस वीक में, लेकिन विद दिस थ्री ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अचीवमेंट भी है यहाँ पे और वर्ड की एनर्जी भी है, तो अगर अब हो सकता है इस वीक में आप जो हैं वो डाउन फील करें, पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, या आपकी जॉब चली गई है, या आपकी जो नौकरी है उसमें बॉस से नहीं बन रही, लड़ाई हो गई लोगों से, लेकिन एक आध दिन के अंदर आप उसको नॉर्मलाइज भी कर लेंगे, उन डरों को सबसाइड भी कर लेंगे, क्योंकि आपको कुछ अचीव हो जाएगा, या तो क्लैरिटी अचीव हो जाएगी इस केस में, या फिर आपको नई ऑप्शंस मिल जाएंगे या नए लोग मिल जाएंगे, जो भी हो लेकिन कुछ मिल जाएगा आपको, कुछ अचीव वाली एनर्जी आ रही है, और दैट इज़ वाई ना आप उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ऑल राइट, सो हो सकता है पर्सनल लाइफ ठीक हो जाए तो ये एनर्जी भी ठीक हो जाए। आपका जो फाइनेंशियल मैटर है वो मुझे लग रहा है कि फाइनेंसेस ना तो बहुत अच्छे हैं ना बहुत कमज़ोर है इस वीक, लेकिन सोच समझ के आपको खर्च करने की ज़रूरत आ रही है यहाँ पे मेष राशि। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग मेष राशि, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, बाय बाय। वृषभ राशि की, वृष राशि की कि उनके लिए जो नेक्स्ट वीक है वो कैसा रहने वाला है, तो वृषभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा उसके लिए हम कहाँ कार्ड शफल कर रहे हैं। जिस वीक की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट होगा 28 सितंबर 2021 से और एंड होगा 2 अक्टूबर 2021 पे। देखते हैं कि आपका ये वीक आप सबके लिए क्या सब लेके आ रहा है वृषभ राशि। सबसे पहले मैं यहाँ दो कार्ड पुल आउट करूँगी, आपके लव लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है इस वीक में। लेट्स चेक, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृष राशि। ओके, लव एंड पर्सनल लाइफ में पहला कार्ड है चैरियट एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। नाउ साथ के साथ बात करते हैं आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस की, वर्क प्लेस पे क्या एनर्जी रहेगी इस वीक में वृषभ राशि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2021। ऑल राइट, थैंक यू। वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड एक कार्ड ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया है, दैट इज डेथ। नाउ देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी वृषभ राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर वृषभ राशि ओवरऑल एनर्जी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बढ़िया। सो वृषभ राशि डेफिनेटली काफ़ी करेजियस फील करेंगे आप इस वीक में, ठीक है, चीज़ें आज तक जैसी भी थी उनसे निकलेंगे, क्लैरिटी में आएंगे, स्ट्रेंथ में रहेंगे, आपकी अपनी चमक होगी, कुछ अचीव करने के लिए जो कुछ भी मन बनाना है, जो कुछ भी फिजिकल पावर लगानी है, मेंटल पावर लगानी है, वो आप डेफिनेटली इस वीक में लगाने वाले हैं, ठीक है। एंड सिंह राशि के साथ आप डील कर रहे हो सकते हैं किसी पर्सन के साथ, ये भी हो सकता है। शेयर जो होता है वो
जिस शिकार को चुन लेता है उस पे एकदम मतलब कहते हैं ना घात लगाए रहना। तो हो सकता है आप में से काफी लोग एक गोल के लिए इस वीक काफी ज्यादा हार्डवर्क करें, किसी चीज को अचीव करने के लिए आपने कुछ गोल बना लिया है, और मतलब आप जिद जिद्दी रहेंगे, टेम्परमेंट आपके हाई रह सकते हैं इस वीक में, लेकिन आप हार नहीं मानते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। एंड डेफिनेटली बात करूंगी आपकी लव और पर्सनल लाइफ की यहाँ पे, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे बता रही है और चैरियट मुझे बता रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो है क्लैरिटी, अगेन एक्शन, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे आप। आपको पता है आपकी पर्सनल लाइफ में आपको कोई डिसीशंस लेने हैं, कुछ लोगों को चुनना है, कुछ लोगों को निकालना है, और मेरे ख्याल से आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। चैरिट की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है, बट क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी आ जाती है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये आगे तो जाएगी एनर्जी, मूविंग एनर्जी तो है डेफिनेटली, एक्शन लिया भी जाएगा, लेकिन हो सकता है इस सप्ताह में एक होल्ड भी आ जाए। आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बट चैरिट के अंदर एक होल्ड की भी मुझे एनर्जी मिलती है कि एक पर्सन है जो कि खड़ा है, उसके उसका जो रथ है उसको अभी उसने स्टार्ट नहीं किया है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग तो कोई एक्शन लें, और कोई काफ़ी लोग जो है एक्शन कैसे लिया जाना है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा एक एक्शन लिया फिर रुक गए, किसी रीजंस में फंस गए, ऐसी एनर्जी आपकी आ रही है मुझे वृषभ राशि। यस ठीक है, अदरवाइज पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ नेगेटिव मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा डोमिनेशन दिख रहा है कि चीज़ों को अपनी तरीके से चीज़ों को चलाना, तो वहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हो सकती है कि जब आप ये कहें कि सामने से आंसर ऐसा ही आना चाहिए लेकिन वो वैसा आया नहीं, तो वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एंड आप इस कार्ड में देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बर्ड है और कुछ बर्ड नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आपके एक्शन की वजह से आप अकेला भी महसूस कर सकते हैं, लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, आप अकेले आगे बढ़ें, ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। और मेरे ख्याल से इसके लिए ही एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में, कि आप वो स्ट्रेंथ दिखाएंगे कि आप अकेले आगे बढ़े। मुझे लग रहा है कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, अब आपने सोच लिया है और आप वो काम करने वाले हैं अपनी पर्सनल लाइफ में या लव लाइफ में। वर्क प्लेस पे डेथ का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे आपकी वर्क प्लेस पे, जॉब में, मनी रिलेटेड एरियाज के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी, अच्छी हैं तो बुरी, बुरी हैं तो अच्छी, किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑफ द डे आपको सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यानी विक्ट्री की एनर्जी दे रहा है, काम आपके बन जाएंगे, परेशान मत होइएगा अगर एकदम से ऐसा लगे कि सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए हैं या काम नहीं है या किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, ये तो एंडिंग्स लग रही हैं, वो एंडिंग्स लग सकती हैं लेकिन वो न्यू बिगनिंग्स का रीज़न बनेंगी आपकी लाइफ में। मनी मैटर सॉल्व हो जाएंगे, मनी के मामले में मुझे काफ़ी अच्छी अपडेशन दे रहा है ये, एक ऑस्पिशियस सी एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है, मनी रिलेटेड एरिया के अंदर काफ़ी पैसा आने वाला है आप लोगों के पास इस वीक, तो कहीं अगर सेविंग में पैसा देना है या कुछ शेयर मार्केट आप देखते हैं तो आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपके रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग वृषभ राशि, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो, रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। हेलो, बात करते हैं मिथुन राशि की, देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए जो आने वाला सप्ताह है वो किन एनर्जीज के साथ आ रहा है। जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो है 28 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में। ऑल राइट, लव लाइफ कैसी रहेगी मिथुन राशि की, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, करियर बिजनेस फाइनेंस के लिए भी कार्ड देख लेते हैं। मिथुन राशि का करियर बिजनेस फाइनेंस कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक में, दैट इज 28 ऑफ सितंबर टू 2nd ऑफ अक्टूबर। ऑल राइट, द सन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी मिथुन राशि, बहुत प्रॉस्पेरिटी दिख रही है मुझे यहाँ, बहुत अबंडेंस दिख रही है, वेरी नाइस। एक कार्ड और मैं निकालती हूँ, देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वीक की क्या आती है, उसके बेसिस पे और मेजर जो है मुझे गाइडेंस मिलेगा, फिर मैं आपको रीडिंग बताती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मिथुन राशि।
ऑल राइट, थैंक यू. जर्नी, वेरी पॉजिटिव. सो मिथुन राशि, मुझे लग रहा है कि जो भी अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में चल रही थी, फाइनली आप उससे निकलेंगे. फाइनली आप लाइफ के एक नई जर्नी में एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हैं. ट्रैवल यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल है, मिथुन राशि के लोगों के लिए. और मुझे लगता है कि आप इस कार्ड में देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी डेस्टिनेशंस दिए हुए हैं. ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग किसी नतीजे पे पहुँच पाएंगे इस वीक कि आपको कहाँ जाना है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और सारे ही ऑप्शन जो है वो उसमें जाने के लिए ये जो है वो तैयार है. ठीक है, ये किसी भी तरीके की जर्नी, किसी भी तरीके की न्यू फेज को लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए तैयार है. तो मुझे लगता है कि आप भी शायद इस एनर्जी में रहेंगे इस वीक की किसी भी नई चीज़ को अपनाने से डरना नहीं, नई चीज़ों को एंजॉय करना, नए ट्रांसफॉर्मेशन को एंजॉय करना, नई जर्नीज. ये जर्नीज फिजिकल जर्नीज भी हो सकती है, ये मेंटली भी एक जर्नी हो सकती है कि आप नए लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हो, उनके व्यूज से इंस्पायर्ड हो रहे हो, अपने व्यूज से लोगों को इंस्पायर्ड कर रहे हो. अब आपको ये डर नहीं है कि आप खो जाओगे या रास्ता गलत है, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा. अभी आप क्लियर है कि जो लाइफ है वो मुझे जिस भी फ्लो के साथ आगे ले जाएगी या ले वहाँ मैं चला जाऊँगा या चला जाऊँगी. ठीक है, एंड काफ़ी जब आप इस एनर्जी में होते हैं तो एटलीस्ट हैप्पीनेस आपके इर्द गिर्द होती है, क्योंकि ना कोई डर होता है, ना कोई खो जाने का डर है, किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है, इल्यूजन नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, जस्ट यू आर हैप्पी विद योर लाइफ. तो मुझे यहाँ पे वो एनर्जी आप लोगों के लिए दिख रही है. कार्ड भी काफ़ी पॉजिटिव आए हैं. देखिए ओवरऑल एनर्जी किस तरह से मैच कर जाती है कई बार कार्ड्स के साथ. सो टेन ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल, पैसा, फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ मुझे दिख रही है. आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ अचीवमेंट मिल सकते हैं आपको या आपके घर वालों को, जहाँ आपके पास पैसा आए और फैमिली के साथ एक अच्छा समय जो है मुझे यहाँ बीतते हुए लग रहा है. कि जैसे कुछ लोग बाहर रहते हो या अगर आप भी घर से बाहर रहते हैं तो हो सकता है आप घर आए, अपने फैमिली मेम्बर से मिले, स्पेशली अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मुझे आप लोग मिलते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों के लिए शादी का प्रपोजल भी आ सकता है मिथुन राशि, विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल एंड टेन ऑफ पेंटिकल मुझे दिख रहा है. अगर ये शादी का प्रपोजल नहीं है तो हो सकता है कोई पर्सन है आपकी वर्क प्लेस पे है और वो आपको कोई ऑफर दे रहा है पर्सनल लेवल पे. ठीक है, इट इज़ लाइक कि पर्सनल लेवल पे आप पार्टनरशिप में आ रहे हैं या वॉट एवर. ठीक है, कुछ इमोशनल और फाइनेंशियल ऑफर है, लेकिन ये मुझे कॉम्बिनेशन ज़्यादा दिख रहा है इमोशंस और फाइनेंसेस का. ठीक है, अब पेंटिकल्स के कार्ड जब हमारी पर्सनल लाइफ में आते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे करियर से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं. तो आपकी हैप्पीनेस का रीज़न आपका करियर हो सकता है, बिकॉज करियर में भी सन की एनर्जी आई है. दैट इज़ द मोस्ट 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 ऑस्पिशियस कार्ड फॉर इन टैरो. ठीक है, और फॉर करियर आल्सो. सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो हैं वो काफ़ी अबंडेंट फील करेंगे. आप में से काफ़ी लोगों का प्रमोशन दिख रहा है मुझे, कि कुछ प्रमोट हो रहे हैं आप किसी पोजीशन पे, लीडर हो रहे हैं आप, लीड कर रहे हैं एक टीम को. ठीक है, एंड फाइनेंशियल ग्रोथ, मतलब ये सनलाइट ऐसी होगी आपकी लाइफ में मिथुन राशि की, अभी तक जो अंधेरा था ये उसको चीर के ना बिल्कुल उजाला कर देगी आपकी लाइफ में. किसी भी तरीके की अबंडेंस हो सकती है, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या अचीव किया. अदरवाइज़ ये फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रही है यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए. और प्रमोशन दिख रहा है या नई जॉब, नई गवर्नमेंट जॉब दिख रही है आप में से काफ़ी लोगों के लिए. ना मैं फैमिली से, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ फैमिली से कनेक्शन दिख रहे हैं करियर के, तो मैं समझती हूँ कि अगर आप फैमिली बिजनेस में है ना तो आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है यहाँ पे. आपका आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है और वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ पहली कमाई या पहला प्रोजेक्ट आप डील कर सकते हैं आप में से काफ़ी लोग. फिर यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके इन इस पूरी जर्नी में जहाँ आप प्रमोट हो रहे हैं, जहाँ आप कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, वहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है. और ये फीमेल आपकी बॉस हो सकती है, ये फीमेल आपकी कलीग हो सकती है, लेकिन सीनियर फीमेल है. काफ़ी प्लान्ड है इसकी एनर्जी. ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है कि ये कुछ भी करती है, ये बहुत सोच समझ के चीज़ों में अपनी एनर्जी डालती है. और अगर आप खुद एक मिथुन राशि की फीमेल है तो मुझे ये आपकी एनर्जी भी लग रही है काफ़ी लोगों के लिए, कि आप बड़े सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं. एक नया झील आपको मिला है लाइफ में, नया पैशन आपको मिला है, एंड
यू आर वेरी हैप्पी मिथुन राशि, मुझे इस पायल में काफी हैप्पी एनर्जी आ रही है, ठीक है। मतलब आप मस्त मौला होकर के ना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं इस सप्ताह, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड इट इज़ ऑल अबाउट मिथुन राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो रीडिंग, अगर रेजोनेट किया हो ये मैसेजेस आपसे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। हेलो, बात करते हैं हम नेक्स्ट राशि की, जो है कर्क राशि। देखते हैं 28 सितंबर से 2 अक्टूबर का समय कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कर्क राशि, थैंक यू। ओके, यहाँ 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है लेकिन मैंने कार्ड लिया नहीं है, लेट्स सी। सबसे पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ की कर्क राशि, 2 कार्ड पुल करूंगी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। वी हैव चैरियट एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट। करियर बिजनेस फाइनेंस कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए इस वीक 28 सितंबर से 2 अक्टूबर, करियर बिजनेस फाइनेंस ऑल राइट। एंड जस्टिस, ओवरऑल एनर्जी भी देख लेते हैं आपके लिए कर्क राशि, उसके बाद मैं आपको रीडिंग डिटेल में बताऊंगी। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओवरऑल एनर्जी कर्क राशि वालों के लिए है वॉकिंग अवे, ऑल राइट। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई थी आप ही लोगों के सामने, तो मुझे लग रहा है कि एट प्रेजेंट आप काफ़ी पेनफुल एनर्जी में हो सकते हैं, या नेक्स्ट वीक का जो पहला दिन है यानी सोमवार का दिन है वो आपके लिए काफ़ी पेनफुल हो सकता है, ठीक है, कि कुछ दर्द आपको मिले हैं। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए पास्ट एनर्जीज में लग रहे हैं ये दर्द, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस मैटर को लेकर के पेन, चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड हो चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, यहाँ पे आप उस पेन से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं विद दिस वॉकिंग अवे एनर्जी, कि आप उस पेन को दूर भगाना चाह रहे हैं, उस पेन से भागते हुए दिख रहे हैं, उस पेन से निकलते हुए मुझे आप लोग दिख रहे हैं कर्क राशि, एंड दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है आपकी, सबकी अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में उस सिचुएशन से मूव ऑन करने के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है और आप काफ़ी ग्रेसफुली उससे मूव ऑन कर रहे हैं। एंड आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी फ्लावर्स हैं, काफ़ी सब परफेक्ट लाइफ है, तो ये थोड़े बहुत जो कांटे आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि आपको हर्ट कर रहे हैं, इनसे आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, आगे अबंडेंस अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में डेफिनेटली आपके कुछ काफ़ी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स, दोनों सिमिलर सी एनर्जी है। देखिए एस ऑफ सोर्ड्स भी हमें यही कहता है कि जो भी चीज़ें खराब है, जो भी डार्क क्लाउड्स हैं, उनको एकदम से हटा करके एक शुरुआत ले लेना, एक एक्शन ले लेना किसी चीज़ पे, तो सेम वॉकिंग अवे वाली एनर्जी यहाँ पे भी मुझे दिख रही है चैरियट के साथ, कि आप मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ नए एक्शंस के साथ, नए लोगों के साथ, और जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है या जिन एनर्जीज ने आपको हर्ट किया है, उन एनर्जीज को पीछे छोड़ते हुए आप कुछ क्लैरिटी ला करके मन में, हो सकता है पीछे नहीं छोड़ रहे उन लोगों को तो विद दिस क्लैरिटी कि हाँ इन लोगों के साथ मुझे ऐसे डील करना है और फिर आगे बढ़ना, ठीक है, कुछ कुछ समझा करके खुद को कुछ अलग एनर्जीज के साथ एक अप्रोच रखना लाइफ में, वो मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है कर्क राशि। एंड करियर बिजनेस फाइनेंस में मुझे ऐसा लगता है फाइनेंस जो है थोड़ा सा डगमगा सकता है इस वीक में, ध्यान रखिएगा। जस्टिस की रिक्वायरमेंट दिख रही है, जस्टिस मिलेगा या नहीं ये मैं यहाँ नहीं कह सकती, लीगल इश्यूज हो सकते हैं लाइफ में तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई भी डील साइन करने से पहले, पेपर साइन करने से पहले सोच लीजिएगा। एंड यहाँ पे भी 2 नंबर की है, यहाँ भी 11 है, तो हो सकता है आपको 11 11 1 1 या 2 2 काफ़ी नंबर जो है एंजल नंबर आपको दिख रहे हो। बैलेंस चाहिए यहाँ पे, बैलेंस हो सकता है आप अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है आप अपनी हॉबीज़ और अपनी वर्क लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप काफ़ी दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है आपका वर्क एरिया, क्योंकि बहुत सारे काम हैं या आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपरली हर काम को, हर प्रोजेक्ट को, ऐसा लग रहा है। अगर लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ट्रबल दिख रहा है यहाँ पे कर्क राशि, तो अपने लीगल इशू की अगर डेट है तो उन मैटर्स को थोड़ा सा बैलेंसली हैंडल कीजिएगा, अदरवाइज वो चीज़ें यहाँ पे बिगड़ सकती हैं, ठीक है। तो यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी मुझे आपके लिए मिल रही है वो यही मिल रही है कि
ये वीक कैसा भी जाए, ये वीक मिला जुला हो सकता है, लेकिन आगे लाइफ में आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पॉसिबिलिटीज आएंगी, और वो इसलिए आएंगी क्योंकि आप इस वीक में कुछ एक्शन लेंगे। तो ऐसा मत इस वीक को रहने दीजिएगा कि इस वीक में आपको कोई एक्शन नहीं लेने हैं या कुछ करना नहीं है, क्योंकि इस वीक के एक्शन नेक्स्ट वीक में आपको डेफिनेटली कुछ पॉसिबिलिटी और कुछ अपॉर्चुनिटीज तक लेके जाएंगे। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग कर्क राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में। हेलो, तो बारी है सिंह राशि की, देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। जिस वीक की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट होगा 28 सितंबर 2021 से और खत्म होगा 2 अक्टूबर 2021 से। तो देखते हैं सिंह राशि वालों की लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या सब होगा इस पर्टिकुलर वीक के अंदर। सिंह राशि, ऑल राइट, वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा सिंह राशि। सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। वाओ, आपके पास आप ही की राशि का कार्ड आ गया स्ट्रेंथ, दैट इज वेरी पॉजिटिव। सो आप अपने अपने बेस्ट पार्ट में रहने वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना बेस्ट देने वाले हैं इस वीक में। नाउ देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इस वीक की। कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ओवरऑल एनर्जी से मुझे एक अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कार्ड्स को। 28 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर फॉर सिंह राशि एंड वी हैव द वर्ल्ड। वाओ, ग्रेट। ओके, तो सिंह राशि जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं आपके लिए, हो सकता है आप किसी फाइनेंशियल इश्यूज को डील कर रहे हो या इन फ्यूचर करें, ठीक है। नेक्स्ट सप्ताह में आपके कुछ फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो आ सकते हैं, अदरवाइज आपकी अभी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। जो भी जिससे रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा, सबसे रेजोनेट नहीं होगा, जनरल रीडिंग है। वर्ल्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये कह रही है सिंह राशि कि डेफिनेटली न्यू चॉइसेस, न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ सकती हैं। ट्रैवल दिख रहा है, हो सकता है आप ट्रैवल करें, हो सकता है आप बिजनेस के लिए ट्रैवल करें, ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है आप एक एम के लिए ट्रैवल करें कि आपने कुछ पाना है, आपको कुछ मीटिंग करनी है किसी व्यक्ति से और वो मीटिंग का कुछ गोल है, कुछ मोटो है। ऐसे फैमिली ट्रिप नहीं दिख रहा मुझे, एक गोल ओरिएंटेड ट्रिप ज़्यादा दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए। पर्सनल लाइफ और लव लाइफ की अगर बात करूं, एम्परर आपकी एनर्जी हो सकती है क्योंकि यहाँ लियो का एनर्जी आया है और आप अपनी एनर्जी में रहने वाले हैं, तो लियो जनरली डोमिनेटिंग होते हैं बाय नेचर, ठीक है, बिना डरते नहीं है किसी से, तो आप उसी एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो लव लाइफ में डेफिनेटली अगर रिकन्सिलेशन कह रहे हैं तो रिकन्साइलेशन हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो अब एक और चीज़ आ रही है कि हो सकता है आप अपने लव वन के लिए या लव वन के साथ ट्रैवल करें। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो आप अपने लव वन से मिलने जा सकते हैं, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। कम्युनिकेशन दिख रहा है, बहुत लंबी फ़ोन पे बातचीत होती हुई दिख रही है, ठीक है, एक दूसरे से अपने इमोशंस एक्सचेंज होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ट्रैवलिंग तो मैंने बता ही दिया एंड काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड एनर्जी है। जो इमोशंस, जिस भी एनर्जी में आप थे, अगर वो नेगेटिव थी तो मुझे लग रहा है काफ़ी फास्ट फॉरवर्डली वो पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है यहाँ पे। फिर हमारे पास एम्परर की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है कि आप काफ़ी डोमिनेटिंग रहेंगे इस रिलेशनशिप में, आप अपनी तरीके से अपनी जिद पे, अपनी शर्तों पे काम करवाएंगे और मुझे लग रहा है कि आप सक्सेसफुल भी होंगे सिंह राशि, स्पेशली अगर आप सिंह राशि के मेल हैं तो। अगर ये फीमेल्स हैं सिंह राशि की, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई पार्टनर है उनका जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग फील करें, उन्हें दबाने की कोशिश करें, रिलेशनशिप में अपनी चलाने की कोशिश करें, बिकॉज ये पर्सन जो है अभी इस वीक जो है एम्परर की पोजिशन में रहेगा। सिंगल लोगों के लिए मुझे एक और वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे कि हो सकता है आपके पेरेंट्स आपसे जो है, अगर आपकी अपनी पेरेंट्स से बात नहीं हो रही है काफ़ी लंबे समय से, तो आपके पेरेंट्स आपसे बात करें, या कोई बड़ा पर्सन है ये जो कि आपसे कम्युनिकेट कर रहा है ऐसा लग रहा है। और ये बड़ा पर्सन जो है वो काफ़ी ऐसा है कि काफ़ी ज़िद्दी है, काफ़ी अड़ियल है, और इसने इससे पहले आपके काफ़ी विचार जो है वो मिले नहीं होंगे, लेकिन ये फिर से आपसे बात कर रहा है वीक, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, यस,
तो ये आपके फादर की एनर्जी ज्यादा आ रही है मुझे, कि अगर आपके आपके फादर से नहीं बन रही है तो वो आपको आपसे बात करें, या अगर आपकी बनती भी है तो हो सकता है आपके फादर से आपके कम्युनिकेशन जो है इस वीक ज्यादा हो किसी बात को लेकर के। वर्क प्लेस पे क्या हो रहा है? वर्क प्लेस पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग, न्यू प्लानिंग, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एंड ये जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं ये कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इन पे आप वर्क कर रहे हैं, इन पे आप प्लान कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, छोटी चीज़ों से फिर शायद आप पूरा वर्ल्ड अचीव करने की, मतलब एक शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट। इसके अलावा जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए देख रहे हैं, मुझे लग रहा है उनके पास एक नया जॉब का ऑफर डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन इस जॉब के ऑफर में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, या हो सकता है ये अभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा, सिर्फ एक मैसेज आ रहा है इंटरव्यू का या कॉल आ रहा है एक इंटरव्यू का, ऐसा भी देख सकते हैं कि जॉब मिली नहीं है लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है, उसकी बिगनिंग हो गई है। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड वर्क लाइफ में आया है, तो थोड़ा सा हार्डवर्क आपको करना पड़ सकता है कुछ भी अचीव करने के लिए, ऐसा आसानी से आपको नहीं मिल जाएगा वर्क प्लेस पे। जैसे यहाँ पे एक आसान कम्युनिकेशन दिख रहा है कि चीज़ें ओवरऑल जो है वो फ्लोइंग एनर्जी में, अपने आप चीज़ें इमोशंस चेंज हो रहे हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे स्ट्रगल दिख रहा है, हार्डवर्क दिख रहा है, लेकिन आपकी पॉजिटिव आपके सेंस में होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी का सिंबल है, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं आपके जॉब प्लेस पे, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आप हार्डवर्क करें तो आप कुछ अचीव कर ही लेंगे। और मुझे लगता है कि आपके ट्यूशन भी आपको यही कह रहे हैं और इसलिए आप वो हार्डवर्क करने के लिए तैयार भी हैं इस वीक में। ऑल राइट, सो यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। फाइनेंस जो है वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो हार्डवर्क इसीलिए कर रहे हैं कि उनका फाइनेंस जो है वो सुधर सके, तो इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ कुछ लोगों का फाइनेंस जैसा चल रहा है वैसा भी चल सकता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या हो सकता है चल रहे हों और इसलिए आप उनके ऊपर वर्कआउट भी कर रहे हो। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग सिंह राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, बाय बाय। तुला राशि की देखते हैं, तुला राशि वालों के लिए जो नेक्स्ट वीक है वो कैसा रहने वाला है। जिस वीक की हम बात कर रहे हैं वो है 28 सितंबर 2021 से लेकर के 2 अक्टूबर 2021 तक का समय। लेट्स चेक तुला राशि वालों की लव लाइफ में क्या सब होगा इस ड्यूरेशन के अंदर। ऑल राइट, सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखते हैं आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा। Four of Swords and the Lovers. एक कार्ड हम एनर्जी ऑरिकल डेक से ओवरऑल एनर्जी का और निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में रीडिंग दूंगी तुला राशि। वाओ, ऑल राइट, तो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है यहाँ पे। सो तुला राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दिस वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली अगर आप तुला राशि की फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं तो आप जो है वो काफ़ी लविंग एनर्जी में रहेंगे इस वीक, एंड हो सकता है आप किसी को प्यार का ऑफर दें, किसी के लिए आपके इमोशंस जो हैं वो इनिशिएट हों, या आप अपने इमोशन शो करें, जाहिर करें अपना प्यार अपने लव वन को। अगर आप एक मेल हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई फीमेल हो सकती हैं जो कि आपके क्रश रखती हैं, या आपको पसंद करती हैं, या अपने इमोशंस आपसे शेयर करें इस वीक कोई फीमेल, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लविंग एनर्जी है, लवर्स, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में इस वीक आप रहेंगे। यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स हैं, यहाँ 44 का कार्ड है, हो सकता है आपको एंजल नंबर 444 या 4444 ज़्यादा दिख रहा हो। 4 शनि का नंबर है जो कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है, तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, या आपकी वर्क प्लेस पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आए,
कुछ लोगों के लिए मुझे वर्क प्लेस का ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ सोर्स है जो कि मुझे बता रहा है कि एनर्जी एकदम लो है, एनर्जी एकदम डाउन है, कोई चॉइसेस नहीं है, एक आदमी शांति से बैठ के सोच रहा है कि अब क्या करना है। और दूसरी तरफ लवर्स की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है कि चॉइसेस आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए इस तरह का आए इस वीक। तो वर्क प्लेस पे करियर के अंदर अगर आप किसी जॉब को सर्च कर रहे थे, अभी तक जॉब आपको नहीं मिल रही थी, तो चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाए। अगर आप ऑलरेडी एक जॉब में थे, आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से आपने वर्क प्लेस पे काफ़ी जो है डेज जॉब पे नहीं गए हैं, तो चांसेस है वो इम्प्रूव हो जाए। अगर अभी तक सब कुछ ठीक है, परफेक्टली आपकी वर्क प्लेस पे आप जा रहे हैं, सब सही चल रहा है, तो इस वीक में आपके थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं तुला राशि, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसकी वजह से आपको डेज ऑफ लेने पड़ सकते हैं। या यहाँ पे फोर ऑफ सोर्स मुझे ये भी कह रहा है कि वही प्रोजेक्ट्स, वही सब कुछ डील करते करते हो सकता है आपकी एनर्जी डाउन हो गई है कि आपका काम करने का मन ना करे वर्क प्लेस पे इस वीक। लवर्स की एनर्जी चॉइसेस बता रही है, न्यू प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली मुझे आते हुए दिख रहे हैं, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो भी ये नई जॉब्स, हो सकता है कि आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी आपके पास नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और अब आपको उनको डील करना है, तो आप काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करूं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है स्टाफ की कमी है या बहुत सारे इर्द गिर्द चीज़ें चल रही हैं, तो मैनेज कैसे करना है, इस चीज़ की ओवर थिंकिंग भी हो सकती है आप लोगों के लिए। पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में पेज ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं अगर आप एक सेपरेशन में हैं तो। पेज ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग अपने पार्टनर को या उनकी प्रोफाइल को सोशल मीडिया पे काफ़ी सर्च कर रहे हैं, काफ़ी उस तरफ उनका ध्यान है। व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली कह रहा है कि लाइफ चेंज एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इस वीक में, कुछ बदलने वाला है, कुछ पॉजिटिविटी आने वाली है रिलेशनशिप्स में। अगर अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे थे, अगर अभी तक उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, उस इमोशन को फील नहीं कर पा रहे थे, तो इस वीक डेफिनेटली आप करेंगे। ऑल राइट, इस वीक काफ़ी लविंग एनर्जी में रहेंगे तुला राशि आप। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। हेलो, तो बात करते हैं यहाँ पे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक? जिस वीक की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 28 सितंबर 2021 को और एंड हो रहा है 2 अक्टूबर 2021 को। तो देखते हैं कन्या राशि वालों की क्या एनर्जीज रहेंगी। सबसे पहले हम दो कार्ड पुल करेंगे कन्या राशि की लव लाइफ और पर्सनल लाइफ के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कन्या राशि। ऑल राइट, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि वालों के लिए करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा इस वीक में? प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू। ऑल राइट, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आपकी इस वीक की? प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। वी हैव सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ओके, सो हो सकता है कन्या राशि के जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस रीडिंग को, वो थोड़े से इनडिसिसिव थे या ऐसी एनर्जीज में रह सकते हैं नेक्स्ट वीक, जहाँ कुछ डिसाइड करना है, किसी डायरेक्शन को चूज़ करना है, दो प्रोजेक्ट्स में से एक चूज़ करना है, या अपनी लाइफ के पर्सनल डिसीशंस लेने हैं, दो लोगों में से किसी को चूज़ करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आप इनडिसिसिव फील कर सकते हैं या वहाँ पे आप कुछ नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं कन्या राशि, क्योंकि आप परेशान हो जाए या आप समझ नहीं आ रहा, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स हैं या आपने जो चीज़ चुनी वो शायद वैसी नहीं निकली जैसी आपने चूज़ की थी, उसके रिजल्ट्स फेवर में नहीं आए, तो एक डिसअपॉइंटमेंट या कन्फ्यूज़न की स्थिति में मुझे आप दिख रहे हैं। 36 साल के हो सकते हैं आप, 33 साल के हो सकते हैं, 31 साल के हो सकते हैं जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। और विद दिस सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी चीज़ें इर्द गिर्द चल रही हैं या चलेंगी नेक्स्ट वीक में, वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो आप मेडिटेशन कीजिएगा इस वीक में, ताकि आप चीज़ों को इंट्यूटिवली हैंडल कर पाएँ और समझ पाएँ कि जो भी हो रहा है उसका क्या रीज़न है। ठीक है,
एंड लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं कन्या राशि यहाँ पे। एंड एक मूव आपकी तरफ से होना ज़रूरी है रिश्ते में, ताकि आपके रिश्ते सही हों या सही डायरेक्शन में बढ़ें। और वो मूव मुझे आप लेते हुए यहाँ नहीं दिख रहे हैं, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, एक्शन करते हुए दिख रहे हैं, पैशनेट भी हैं अपने रिश्तों को लेकर के। ऐसा नहीं है कि लविंग एनर्जी नहीं है, बट इमोशनल नहीं होके बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे यहाँ लग रही है। तो आप में से इस वीक जो है कन्या राशि के लोग अपने रिश्तों को लेके, अपनी लव लाइफ को लेकर के काफ़ी प्रैक्टिकल रहने वाले हैं और काफ़ी फायरी एनर्जी है, एक्शन लेने का मूड बनेगा, एक्शन लेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें उतना जील या उतने इमोशंस अपने नहीं डालेंगे, वही एक्शन लेंगे जो कि प्रैक्टिकली सही होंगे, जो कि सोशली वैल्यूज़ में होंगे या मॉरल वैल्यूज़ में होंगे, उसी तरीके के आप एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। फिर आप में से काफ़ी लोग मुझे वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनडिसीशन है, अभी कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं, सोचते हैं एक्शन लूँ लेकिन रुक जाते हैं, क्योंकि अभी चीज़ें डिसाइडेड नहीं है कि किस डायरेक्शन को चूज़ करना है, तो वेटिंग दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, कि कुछ और इंट्यूटिवली आपको मैसेजेस मिले या कोई आपको बता दे कि आपको कैसे जाना है, क्या सही है क्या गलत है, फिर आप एक्शन लेंगे। ये एनर्जी मुझे आपकी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में दिख रही है। जो लोग रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं, सेपरेशन में हैं, डेफिनेटली यहाँ कुछ मुझे होता हुआ कम दिख रहा है। आई एम सॉरी जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं। मेरे ख्याल से इस स्थिति के बारे में अभी और जानना बाकी है, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने अभी नहीं जानी है, जिस दिन आप वो जान जाएंगे उस दिन आप एक स्टेप आगे ले पाएंगे, ठीक है। अभी आप वेटिंग एनर्जी में हैं, अभी कोई मैसेज कॉल में वेट कर रहे हैं आप। हो सकता है अगर आप आगे बढ़ के कोई दें मैसेज कॉल करें अपने पर्सन को, तो भी आपके पास रिप्लाई बैक नहीं आए, क्योंकि वो वेट दिख रहा है यहाँ पे। फिर है वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे जो लोग बेरोजगार हैं, नई जॉब का वेट कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि उनको एक नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स है ये जो ऑफर है, इसके लिए आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ शायद आप नहीं करना चाहें, या आप अपने लेवल की जॉब चाहें, अपनी शर्तों पे जॉब चाहें, तो हो सकता है कि आप इस जॉब को छोड़ दें या मना कर दें और फिर बाद में आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, या आप इसके बारे में एकदम से डिसीशन नहीं ले पाएं, क्योंकि इस यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी आपको, या तो सैलरी के साथ या किसी और तरीके से बाहर जाके जॉब करनी है, व्हाटएवर, लेकिन कुछ इश्यूज़ आएंगे इस जॉब में, इस नई जॉब के अंदर। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, डेफिनेटली उनको मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल जो है, फाइनेंस जो है वो अच्छा दिख रहा है, ठीक है, अच्छे नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, अच्छा एक्शन दिख रहा है, वर्क लाइफ में सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है। थोड़ा सा लोनलीनेस भी दिख रहा है मुझे आपकी वर्क एरिया में, कि लोगों से कम बात करेंगे आप, एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, और डोमिनेटिंग ज़्यादा रहेंगे, अपने तरीके से काम कराने वाली एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे। और अगर बिजनेस आप करते हैं तो भी आप नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, और ये नए प्रोजेक्ट्स मिलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, या इस प्रोजेक्ट को मेंटेन रखने के लिए, मैनेज करने के लिए, इस प्रोजेक्ट में अचीव करने के लिए, इस प्रोजेक्ट में रिजल्ट लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो यही था आपके लिए मैसेजेस कन्या राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों, रेजोनेट किए हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। हेलो, तो बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक, जो कि है 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का समय। देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज आती है नेक्स्ट वीक की। सो सबसे पहले देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में क्या सब होगा वृश्चिक राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर वृश्चिक राशि। जजमेंट एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। नाउ देखते हैं आपकी वर्क लाइफ और फाइनेंशियल मैटर्स में क्या सारी कंडीशन स्थिति बनती है इस वीक में, 28 सितंबर से 2 अक्टूबर। वर्क लाइफ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी भी देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इस वीक में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर में। एंजल ऑफ बैलेंस, वाओ, ओके। सो वृश्चिक राशि, डेफिनेटली आप किसी तूफान से गुजरे हैं, ठीक है, और ये जो टाइम है ये एक न्यू बिगनिंग का टाइम है, चीज़ें जो हैं बैलेंस में आएंगी अब फाइनली। एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ है, जो भी चीज़ें आपने खराब हुई थी पिछले कुछ दिनों में, या
नहीं बात बनी, अनस्टेबल रहे आपके इवेंट्स लाइफ के, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी क्राइसिस आए आपकी लाइफ में, अब फाइनली वो तूफान थम जाएगा और चीज़ें बैलेंस में आएंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है। ये न्यू बिगनिंग, या तो आप रिस्क लेने को तैयार हैं, किसी पर्सन को चूज़ कर रहे हैं आप अपने लेवल पे, या किसी पर्सन को अपने लिए अप्रोच कर रहे हैं, आगे बढ़ के कुछ कर रहे हैं आप, या फिर विद दिस जजमेंट एनर्जी आपकी तरफ कोई यूनिवर्स एक पर्सन को भेज रहा है, और वो पर्सन जो है वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। मीन्स कि आपकी शादी हो सकती है उनसे, शादी का प्रपोजल आ सकता है, और मुझे लग रहा है कि आप अपने रिश्तों पे काफ़ी हार्डवर्क करने वाले हैं इस वीक, अपने बच्चों के साथ काफ़ी समय स्पेंड करने वाले हैं वृश्चिक राशि, और उसकी वजह से जो है आपकी लाइफ में ये बैलेंस क्रिएट होगा, ये हैप्पीनेस आप एड ऑन कर रहे हैं कि अब तक जो हुआ वो हुआ, अब मैं अपने रिश्तों पे मेहनत करूंगा या करूंगी, और जो कुछ भी पहले हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स पहले आई, उनको मैं रिपीट नहीं होने दूंगी या होने दूंगा। ऐसी एनर्जी में मुझे इस वीक आप दिख रहे हैं, दैट इज़ वेरी नाइस। वर्क प्लेस पे भी कुछ लोग नई जॉब सर्च कर रहे हो सकते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, काम कर रहे हैं आप सोशल मीडिया पे और अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी पैशनेट हैं अपनी वर्क लाइफ को लेकर के, पैसा कैसे कमाना है उसके लिए नए नए आप, हो सकता है कुछ बिजनेस करने का सोच रहे हो, पार्टनरशिप में आने का सोच रहे हो, तरीके ढूंढ रहे हैं, और काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड फायरी एनर्जी में मुझे आप लोग दिख रहे हैं। या हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे कोई मेल पर्सन है जो कि 30 से 50 के बीच की एज का है, और वो आपकी कुछ मदद कर रहा है जॉब रिलेटेड इश्यूज के अंदर। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग जो है वो नई जॉब में ज्वाइन किया है कुछ लोगों ने, और वो नए लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चीज़ों को अब कैसे हैंडल करना है, प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव जो वीक है मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है वृश्चिक राशि, काफ़ी बैलेंसिंग एनर्जी दिख रही है और पॉजिटिविटी भी दिख रही है। बस हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा कुछ भी अचीव करने के लिए, और मुझे लग रहा है कि वो आप करेंगे इस वीक। ऑल राइट, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। सो बारी है धनु राशि की, देखते हैं धनु राशि के लिए जो नेक्स्ट वीक है वो क्या सभी एनर्जीज लेके आ रहा है। जो नेक्स्ट वीक की हम बात कर रहे हैं वो है 28 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक का समय। देखते हैं नेक्स्ट वीक की एनर्जीज क्या रहेंगी धनु राशि फॉर यू। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर धनु राशि। सबसे पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सो वी हैव 8 of Wands एंड 7 of Pentacles। ऑल राइट, देखते हैं धनुराशि आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा इस वीक में। Ace of Wands and 6 of Wands। वाओ, ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए धनुराशि क्या रहने वाली है इस वीक की। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर धनु राशि ओवरऑल एनर्जी। टेंपल पाथ, ओके, वेरी पॉजिटिव। मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, और काफ़ी गुड न्यूज़ है आप में से 90% लोगों के लिए वो कम्युनिकेशन होगा। कुछ लोग अपने लव वन से मिल सकते हैं ट्रैवलिंग के थ्रू, कुछ लोग जो हैं डेट कर सकते हैं अपने पार्टनर को। काफ़ी लंबे समय से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में, अगर ये आपके पार्टनर नहीं है, लव वन नहीं है, तो माँ बाप से मिलना हो सकता है, किसी भी चीज़ का आपकी पर्सनल लाइफ में जो कि वेट चल रहा था, आप वेट कर रहे थे कि ऐसा काम हो जाए, किसी मंदिर में जाना है, किसी मस्जिद में माथा टेकना है, वॉट एवर, गुरुद्वारे में जाना था, बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, बाहर घूमने जाना था, बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, तो वो इस वीक होता हुआ दिख रहा है धनुराशि आप लोगों के लिए। टेम्पल पाथ की एनर्जी आ रही है, काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है, काफ़ी काफ़ी ग्रोइंग एनर्जी है। मुझे लग रहा है आप लोगों में विजडम आ रहा है, आप लोगों में नॉलेज आ रहा है इस वीक में, ठीक है। आप अपने सही डिसीशन, सही डायरेक्शन, सही पाथ चुन पा रहे हैं, आपको आपके होने का वजूद मिलेगा इस वीक के अंदर, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड 8 of Wands ट्रैवलिंग दिखा रहा है, ट्रैवल कर सकते हैं आप लोग, एंड काफ़ी मूविंग एनर्जी है, जो कुछ भी रुका हुआ था ना चलने लग जाएगा इस वीक में, और
सबसे बड़ी चीज़ है करियर के अंदर काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है। जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं उनको नई जॉब मिलेगी, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उन्हें प्रमोशन मिल सकता है, जीत मिल सकती है, किसी प्रोजेक्ट का आपके हक में हो जाना, किसी प्रोजेक्ट में कुछ अचीव कर लेना और क्रेडिट आपको मिल जाना, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है। बिजनेस में भी अचीवमेंट्स हैं, बिजनेस में भी ग्रोथ है, पैसा है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा ये वीक, ठीक है। और अवेटिंग रिजल्ट्स, रिजल्ट्स जिनके भी आने वाले हैं ना, उनके रिजल्ट्स उनके लिए पॉजिटिव आने वाले हैं धनुराशि। सो ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू एंड 333333 आपको काफ़ी देखने को मिल सकता है। यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो थोड़े से हर्ट हो एक आध दिन इस पूरे वीक में, एक आध दिन आपके थोड़े से डल जाएँ, डाउन जाएँ, या आपको किसी की बात का बुरा लग जाए, लेकिन ये चीज़ आपको इसी वीक में समझ आ जाएगी, बिकॉज यहाँ विजडम आ रही है कि वो हर्ट आपको क्यों किया यूनिवर्स ने, वो आपके साथ बुरा क्यों हुआ, वो चीज़ आपको इसी वीक में समझ आ जाएगी। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो एंड ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे एनवायरनमेंट। सो मुझे बताइएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई, और अगर रेजोनेट हुए मैसेज तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। इस वीक की हम बात कर रहे हैं वो है 28 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक का समय। देखते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ की, तो यहाँ मैं 2 कार्ड पुल करने वाली हूँ। मकर राशि की लव लाइफ और पर्सनल लाइफ जो है वो 28 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कैसी रहने वाली है, लेट्स चेक। वी हैव द टावर एंड 7 ऑफ कप्स। ऑलराइट, देन बात करते हैं आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंशियल एनर्जी क्या रहेगी मकर राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज, विच आर इन अवर हायर गुड। ऑल राइट, दो कार्ड्स आ गए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ। ओके, देखिए मुझे आप में से काफी लोग जो हैं मकर राशि के वो एजुकेशन फील्ड में टीचर्स जो हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पे, मुझे बताइएगा अगर आप हैं तो। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको कार्ड्स की रीडिंग दूंगी। मकर राशि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा ओवरऑल, ऑल टाइड अप। ऑल राइट, देखिए मकर राशि जो मुझे दिख रहे हैं मैसेजेस मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली सिचुएशंस जो हैं वो थोड़ी सी चेंज है यहाँ पे, ठीक है। थकान है यहाँ, ठीक है, विद दिस ऑल टाइड अप चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं शायद, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसी नहीं हो रही हैं, या शायद सही नहीं हो रही हैं, ठीक है, जो भी है, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पा रही हैं इस वीक में। या ये शायद आपकी पास्ट एनर्जीज भी हो सकती हैं, पहले इसके वीक में भी आपकी चीज़ें जो हैं काफ़ी बिगड़ी हों, ये हो सकता है, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स हैं यहाँ पे जो कि मुझे ये एनर्जी दे रहे हैं। पहले बात करूँगी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ की, तो कोई ब्रेकअप, सेपरेशन, डाइवोर्स से आप गुजरे हो सकते हैं, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो हो सकता है कि इस वीक ऐसा मौका आए जबकि आपको किसी एक ऑप्शन को छोड़ना पड़े या सेपरेट होना पड़े उससे, क्योंकि आपके पास जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनको आप उनके साथ डील नहीं कर पाए। कुछ लोगों के लिए अचानक से आपके जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स हैं वो सामने आ जाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है, लड़ाई की एनर्जी दिख रही है, फ्रेमवर्क्स टूटते हुए दिख रहे हैं, टावर मोमेंट आ रहा है यहाँ पे लव लाइफ में। लव लाइफ में नहीं आ रहा तो पर्सनल लाइफ में आ रहा है, किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो सकती है, किसी फैमिली मेम्बर्स का तबियत इशू हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप मेंटली फिजिकली जो है डाउन फील करेंगे, थका हुआ फील करेंगे, बुरा फील करेंगे, पेन फील करेंगे। जनरल एनर्जीज हैं, सबके लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि चीज़ें डार्क एनर्जी पे चली जाएं पर्सनल लाइफ के अंदर। फिर करियर, बिजनेस, फाइनेंस में भी 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे यही महसूस हो रहा है कि क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ की एनर्जीज काफ़ी ड्रेन्ड हैं और उसकी वजह से आप अपने करियर में भी एक नेगेटिविटी को जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ हैं, करियर में कुछ इश्यूज नहीं है, करियर में आपने इश्यूज बना रखे हैं, आपने अपने आप को गार्ड अप कर रखा है, आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, आपका अच्छा बिहेवियर नहीं है क्योंकि आप नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को लोगों से अलग कर लें, आइसोलेट कर लें, बातचीत नहीं करें उनसे, आपको लगे सब एंड है, आप नौकरी छोड़ दें,
ठीक है, या आप अपनी जॉब में प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, हार्ड वर्क नहीं कर रहे, फाइनेंशियल इश्यूज, क्राइसिस आपको इशू परेशान करें, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ है डेथ। अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ है टावर स्टार्टिंग है और डेथ लास्ट है। इसका मतलब कुछ ना कुछ रीबर्थ भी इस वीक में हो जाएगा। अगर आप इस एनर्जी को डील कर रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, अपने इंट्यूशन की सुनिए। हो सकता है हर वीक आपका, हर वीक के भी सातों दिन एक जैसे नहीं होते डेफिनेटली, तो 2-3 दिन जो है आपको डिस्टर्ब करें, लेकिन फिर चीज़ें अपने आप रीग्रोथ होना शुरू होंगी। क्योंकि ये वर्क प्लेस की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है वर्क प्लेस में आप नए लोगों से मिलें, लोग आपसे बातचीत करें, आप बातों को शेयर करें और चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाए। ठीक है, आ जाएंगी, रीबर्थ होगा यहाँ पे, लेकिन रीबर्थ होने से पहले कुछ जो फ्रेमवर्क्स हैं, कुछ जो परेशानियां हैं वो आपको फेस करनी पड़ेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको फेस करने पड़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट मकर राशि। मैं चाहूंगी कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो, लेकिन क्योंकि आपको ये गाइडेंस पहले ही मिल गया है, तो अपने आप को गार्डअप मत कीजिएगा, नई एनर्जीज के लिए तैयार रहिएगा, तो आप ये डाउन एनर्जी, ये ड्रेन एनर्जी जो है वो शायद कम अट्रैक्ट करें, या ये चीज़ें आपको कम इफेक्ट करें। ऑल राइट, तो टैरो का मकसद बेसिकली आपको गाइडेंस देना ही है, एक प्रिकॉशनरी मेथड आपको प्रोवाइड करना है, ताकि आप उन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें जो कि लाइफ में आने वाली हैं। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बारी है कुंभ राशि की एक्वेरियंस के लिए, जो नेक्स्ट वीक है, जो कि 28 सितंबर 2021 से 2 अक्टूबर 2021 तक का समय है। देखते हैं वो कैसा रहेगा। सो लेट्स चेक द एनर्जीज फॉर कुंभ राशि। सबसे पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ की, कि आने वाले वीक में आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या सब हो सकता है। सो वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट। देखते हैं करियर, बिजनेस, फाइनेंस में आपके लिए क्या सब आ रहा है। कुंभ राशि 28 से 2 अक्टूबर 28 सितंबर से। ऑल राइट, बॉटम एनर्जी जो है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स। एक ओवरऑल एनर्जी जो है वो भी आपकी पुल करते हैं, उसके बाद में आपको डिटेल रीडिंग दूंगी। टू रोमांस, ओके। मैं आप लोगों के लिए क्लैरिफायर निकालूंगी कुंभ राशि, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है। राशि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात करूंगी। लव लाइफ और पर्सनल लाइफ जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगी इस वीक के अंदर, ठीक है। एक नया डोर जो है आपकी लव लाइफ में ओपन होगा, नए लोगों से आपका कांटेक्ट हो सकता है, नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, या आपका पुराना पर्सन ही जो है वो आपको बहुत रोमांटिक फील करा सकता है, जिसकी वजह से जो है चीज़ें काफ़ी आपको लविंग लगे, या आप एक रोमांस वाली एयर के अंदर ना, एयर रोमांस इन एयर वाली एनर्जीज के अंदर रहें। काफ़ी रेड है, आप में से काफ़ी लोग डेट कर सकते हैं किसी पर्सन को, कोई आपसे अपने प्यार का इजहार कर सकता है, आप किसी से अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, चीज़ें ट्रैक पे आती हुई मुझे दिख रही है, रोमांटिक एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पे। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, या आपके पुराने पर्सन के साथ ही, जिनका आप वेट कर रहे थे उनके साथ ही आपकी लाइफ जो है वो फॉरवर्डली मूव कर रही है, और काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे यहाँ दिख रही है। लेकिन आपकी वर्क प्लेस पे मुझे एनर्जीज जो हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब दिख रही हैं कुंभ राशि, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस वीक में। वर्क प्लेस पे बेसिकली क्या हो रहा है कि या तो कोई पर्सन है वर्क प्लेस पे जो कि आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है और आपको पता नहीं है, या फिर आपको उसका पता हो सकता है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और इसलिए आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं कि आपको पता है कि उस पर्सन से चीज़ें शेयर नहीं करनी है, उसे नहीं बताना है, लेकिन आपको उसी के साथ काम करने को दे दिया गया, या वही पर्सन बार बार आपकी चारों तरफ है। तो हो सकता है कि वर्क प्लेस पे कोई पर्सन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, या कोई जो है वो
आपको उसके साथ गलत बिहेव करे। अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है ये कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, मेल भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये एक फीमेल एनर्जी है, जिससे कि आपको ये फाइव ऑफ कप्स या डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा कि आप सोचे भी नहीं कि वो आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगी, लेकिन वो आपके साथ ऐसा बिहेव करें। ठीक है, एंड विद दिस एट ऑफ कप्स आप में से काफी लोग अपनी जॉब को छोड़ के जा रहे हैं, या ठीक है इस जॉब में आपकी लड़ाई हो जाए किसी से, किसी सिचुएशन को छोड़ के जा रहे हैं, आप उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, उन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते, एक या जिस सिचुएशन से आप निकल गए थे वो सिचुएशंस आपके सामने वापस आ रही हैं किसी तरीके से, उन लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है जो कि जिन्होंने आपके साथ पहले अच्छा नहीं किया है, जिनसे आप नहीं मिलना चाहते हैं, जिनसे आप अपने इमोशन शेयर नहीं करना चाहते हैं, उनके सामने आपको आना पड़ रहा है, उनसे बात करनी पड़ रही है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सी एनर्जी आ रही है, जहाँ पे आपके लिए कुछ नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट मुझे दिख रहा है, डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, लो एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोग तो जॉब छोड़ सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि जॉब प्लेस पे जिनका काम जो है वो पसंद नहीं किया जा रहा है, या कोई लेडी कोई पर्सन है जो कि आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, आप पे हुकुम चलाने की कोशिश कर रहा है, या आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, आपकी लैग पुलिंग हो रही है यहाँ पे। ऑल राइट, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें हैं वो आपको अबंडेंट रखेंगी, वो आपको हैप्पी रखेंगी, तो ये चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा, अपनी बातों को हर किसी से शेयर मत कीजिएगा नेक्स्ट वीक में, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कुंभ राशि, आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। हेलो, सो बात करते हैं हम अब लास्ट राशि जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए 28 सितंबर 2021 से 2 अक्टूबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा, लेट्स चेक द एनर्जी। सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल लाइफ और लव लाइफ की। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मीन राशि। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। और ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी मीन राशि वालों के लिए। टेम्पल पाथ। तो देखिए, सबसे पहले तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे आप लोगों की। ठीक है, डायरेक्टली डिवाइन से आपका कनेक्शन बनेगा इस वीक में, और जो कि काफ़ी पॉजिटिविटी आपको देगा, विजडम देगा, और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी मंदिर मस्जिद जिस भी धर्म से आप जुड़े हैं वहाँ जाएं, माथा टेकें। एंड पर्सनल लाइफ एंड लव लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कम्युनिकेशन मिल सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का। बहुत लंबी फ़ोन की कन्वर्सेशन मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही थी रिश्ते में तो उसमें क्लियरिटी, आप लोग एक दूसरे से बात करके सॉल्व आउट करते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को, एंड काफ़ी अबंडेंस, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। करियर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करियर में काफ़ी टेम्परमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, अपने हिसाब से इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो लोग नई जॉब चाहते हैं उनके लिए एक नया जॉब का ऑफर आ सकता है, जो नए प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना चाहते हैं नए प्रोजेक्ट्स उन्हें मिल सकते हैं, नए लोग मिल सकते हैं काम करने के लिए। बस इशू मुझे जो दिख रहा है वो है ये इम्पल्सिव नेचर आप लोगों का मीन राशि, जहाँ बिना सोचे समझे किसी से कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उससे आप अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं, उससे आप अपने एक्शन वेस्ट कर रहे हैं, और उससे सामने वाले के मन पे भी आपकी बात का क्या इफेक्ट आ रहा है ये आप नहीं समझ पा रहे उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो इसका गाइडेंस आ रहा है कि थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए। फाइनेंस काफ़ी अच्छा रहेगा इस वीक में। ठीक है, और डिवाइन ब्लेसिंग में रहेंगे आप, प्रोटेक्शन फील करेंगे कि चीज़ें खराब भी होंगी तो फटाफट से अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, तो ये डिवाइन यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है जो कि आपके साथ इस वीक में काम करेगा। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे लग रहा है इस वीक में सब कुछ ठीक होगा और हीलिंग आएगी आपकी लाइफ में, बिकॉज टेम्पल पाथ इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर मी। सो यही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे, आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों मीन राशि। अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।